नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट टैब के बारे में। यहां पर एक एक करके ग्रुप के बात करते हैं। थीम्स सबसे पहला ग्रुप है और यहां पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है थीम्स है। हमको अगर थीम्स को समझना है, इस तरीके से हम अगर अप्लाई करेंगे थीम्स को तो यहाँ पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने एक टेबल टाइप का इंसर्ट करा रखा है, इसको जाएंगे होम टैब इंसर्ट टैब पे और टेबल पे जाकर के क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको एक टेबल का फॉर्म दे देते हैं। यहाँ पर चूँकि टेबल का फॉर्म दे चुके हैं, अब यहाँ पर पेज लेआउट में आते हैं और थीम्स अप्लाई करके देखते हैं। देखिए, आपको चेंजेस यहाँ पर नज़र आएंगे। इस तरीके से जहाँ पर मूव करता है कर्सर, उस तरीके से वहाँ पर चेंजेस अप्लाई होते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि केवल इसके अंदर का कलर चेंज हो तो हम यहाँ से जाके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर पर सेलेक्ट करेंगे उस तरीके का कलर चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि इनमें केवल फॉन्ट चेंज हो, कलर वही बना रहे, तो हम जाकर जिस फॉन्ट पे क्लिक करेंगे वो वाला फॉन्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। इसके थ्रू हम कोई भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर देखिए इफ़ेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं। इफ़ेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक सेप ज़रा इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि हमने एक सेप इंसर्ट करा ली है और इसका हम पहले से कुछ इफ़ेक्ट ज़रा चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने इस तरीके का इसका इफ़ेक्ट लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाते हैं पेज लेआउट में और इफ़ेक्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ हल्का सा जो है इसका इफ़ेक्ट जो है चेंज हो रहा है, तो हम जो भी चाहें उसका इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है मार्जिन, जैसे कि जो हमारा पेज है उसकी मार्जिन लगी है नॉर्मल। अगर हम इसको करते हैं वाइड तो हमारे पेज की जो है यहाँ पर इस तरीके से पेज आता है। अगर हम इसको देखेंगे तो अगर हम इसको देखना चाहें पेज को कैसा दिख रहा है, तो कंट्रोल पी प्रीव्यू, इस तरीके से हमारा ये पेज के अंदर आ रहा है और वो वाला जो टेबल है वो नहीं आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, इसको उठा करके इसके किनारे डाल देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब करते हैं कंट्रोल पी और देखते हैं अभी भी ये हमारा पेज के अंतर्गत दोनों नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से ये कट कर रहा है। हम क्या करते हैं, इसको और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं और अब देखते हैं कंट्रोल पी प्रीव्यू। देखिए दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पेज में आ रही हैं और हम यहाँ से जाकर के मार्जिन उनके सेट कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, नैरो ले सकते हैं, जो भी चाहेंगे उस तरीके के पेज में हमें दिखाई पड़ेगा। देखिए पेज को समझने के लिए अभी हम आगे जब ब्रेक यूज़ करते हैं तब तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से पेज देख पाएंगे। ओरिएंटेशन पहले हम देख लेते हैं क्या है। पोर्ट्रेट मतलब कि वर्टिकल हमारा पेज दिख रहा है। अगर हम चाहें तो लैंडस्केप भी देख सकते हैं और हम जो भी यहाँ पर अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर साइज जो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारा साइज सेट होता है, लेटर सेट होता है जिसकी 8.5x11 होती है। क्वेश्चन भी पूछता है CCC वगैरह में कि हमारा पेज डिफ़ॉल्ट रूप से किस साइज़ पे सेट रहता है, तो लेटर पे सेट रहता है। हम इसको चाहें तो A4 में प्रिंट करा सकते हैं। जो प्रिंट कराने वाले जो पेज होते हैं A4 साइज़ में ज़्यादा प्रिंट होते हैं। वर्ड में सबसे ज़्यादा किस चीज़ के पेज प्रिंट किए जाते हैं, तो A4 साइज़ के, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिर यहाँ पर आता है प्रिंट टाइटल, प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया मतलब क्या होता है कि हम इसको सेलेक्ट करें, वैसे क्या है कि हमारा जो पेज है उस तरीके से उतना हमारा प्रिंट कराएगा, लेकिन अगर हम सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया कर दें, जैसे इसको हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और हमने प्रिंट एरिया पर जाकर के सेट प्रिंट एरिया कर दिया है। और अब हम जब कंट्रोल पी करते हैं और प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए हमने जो सेलेक्ट किया हुआ था वही एरिया जो है हमें प्रिंट हो रहा है और ये वाला देखिए आधा कट चुका है, ठीक, जबकि उसी पेज पर था। तो हम यहाँ के इसके थ्रू जो है हम अपने प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हैं। क्लियर प्रिंट एरिया कर देंगे तो जो हमने प्रिंट एरिया हमने सेट किया था वो हट जाएगा। ब्रेक क्या है, देखिए पेज ब्रेक इंसर्ट कराने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जहाँ पर हमारा कर्सर होता है वहाँ से हमारा पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कर्सर था इसलिए यहीं से इंसर्ट हो चुका है और नीचे की तरफ ये पूरा पेज हमारा इस तरीके से है। अब हम इसको ज़रा पेज ब्रेक को समझने के लिए हम क्या करते हैं, कर्सर को यहाँ पर रख देते हैं और यहाँ से जो है पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ से पेज ब्रेक अप्लाई हो चुका है और ये पूरा पेज हमारा हो चुका है। हम इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव पेज ब्रेक। अगर हम बहुत कई जगह पर हमने पेज ब्रेक डाल रखे हैं तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आता है
रिमूव ऑल ब्रेक या फिर रिसेट ऑल पेज ब्रेक कई जगह पर है तो उनके लिए हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड क्या है कि जो हमारा एक्सेल है इसका बैकग्राउंड लगाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड पे कोई इमेज वगैरह अगर अप्लाई कराना चाहते हैं तो हम यहाँ से कोई इमेज एक सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से इंसर्ट कराएंगे तो हमारी जो पीछे बैकग्राउंड जो है सो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक रिपीट हो जाता है एक पेज से दूसरे पेज पर। देखिए यहाँ से फिर से ये इमेज जो है ऑटोमेटिक रिपीट हो जाती है। ठीक है, इसको हटाने के लिए हम कंट्रोल जेड प्रेस कर देते हैं और रिमूव हो जाती है। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है, बेसिकली जैसे कि हम कोई एक डाटा इंसर्ट कराए हैं और अभी जैसे कि यहाँ पर जो हमारा डाटा जहाँ पर इंसर्ट है अगर हम इसको प्रीव्यू में देखें, प्रिंट प्रीव्यू में, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पेज पर तो हमारा डेटा जो यहाँ पर देखिए कंपनी नेम जो हमने बनाया है वो दिख रहा है, लेकिन अगर हम सेकंड पेज पे आते हैं तो नहीं दिखता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। इसको थोड़ा सा हम टाइटल का एक रूप दे देते हैं, कंपनी नेम हमने सेलेक्ट किया है, और यहाँ से हम जाते हैं होम पे और इसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देते हैं, ये चीज़ है। और इस तरीके से हमने यहाँ से रैप टेक्स्ट ऑन कर लेंगे ताकि एक में आ जाए और मर्जन सेंटर कर देंगे और इसका साइज़ बड़ा करते हैं। ओके, अब ये टाइटल का फॉर्म हो चुका है और इस पर चाहे तो हम कलर वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक, अब हमको ये टाइटल की तरह दिख रहा है। अब जब हम कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देखते हैं किस तरीके दिखेगा, देखिए यहाँ पर इस टाइटल दिख रहा है, लेकिन अगर जब हम सेकंड पेज पे आते हैं तो ये चीज़ नहीं दिख रही है। हम चाहते हैं कि ये टाइटल हर एक पेज पे दिखे, तो हम क्या करेंगे, इसको जाते हैं पेज लेआउट टैब पे और यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट टाइटल्स रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर हम ये एरिया दे देंगे जहाँ पर इस तरीके से ये हमने एरिया दे दिया है जो कि हमें हर पेज पे जो है टाइटल रिपीट होना चाहिए, रोज़ टू रिपीट एट टॉप, और ओके कर देंगे। अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं कि साइड में कोई ऐसी चीज़ अगर हम दें और हर एक पेज पे रिपीट कराना चाहें तो कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके करते हैं। अब ये हमारा जो टाइटल है ये हर एक पेज पे शो होगा। अब देखिए इसको हम देखने के लिए कंट्रोल पी प्रीव्यू, इस तरीके से शो हो रहा है, और अगर दूसरे पेज पे आते हैं तब भी शो हो रहा है। तो ये प्रिंट टाइटल हो गया। फिर हम बात करेंगे इसकी विड्थ और हाइट, ये क्या चीज़ है। बेसिकली अगर हम कंट्रोल पी करके देखें, जैसे कि विड्थ मतलब चौड़ाई, अगर हम देखें जो हमारा डेटा अगर चौड़ाई के फॉर्म में थोड़ा ज़्यादा होता है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एक में ही सोचेंगे एक पेज में एडजस्ट हो जाए। और यहाँ पर तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है, लेकिन हम चाहते अगर यहाँ पर कुछ और भी अप्लाई करना तो कर सकते थे। और हाइट में जैसे कि हमारा कोई डेटा है अगर वो 3-4 पेजों में जा रहा है और हम चाहते हैं कि वो 2 ही पेजों में श्रिंक हो जाए तो हम 2 पेज पे अप्लाई करेंगे और हम कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं और ये डेटा जो है 2 पेज में जो है आ चुका है। इस तरीके से हम कोई भी बड़ा डेटा जो है उसको श्रिंक करा सकते हैं छोटे से में। यहाँ पर ग्रिड लाइंस व्यू हो रही हैं, अगर हम ग्रिड लाइंस पे हटा देते हैं तो ये सारी एक्सेल की जो ग्रिड लाइन थी वो सारी हट चुकी हैं। अगर हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर हम प्रिंट कराएं तो ये नहीं दिखाई पड़ती हैं। देखिए आप प्रीव्यू में यहाँ पर ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही हैं, अगर हम चाहते हैं कि अगर ये ग्रिड लाइंस दिखें तो हम कर देंगे प्रिंट पे क्लिक और फिर जब हम कंट्रोल पी करके देखते हैं प्रीव्यू तो देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन सारी दिख रही हैं। ठीक, इसी तरीके से हम अगर हेडिंग जो हमारी है ये इस तरीके से ये हेडिंग रो हेडिंग और ये कॉलम हेडिंग सॉरी रो हेडिंग ये और कॉलम हेडिंग ये अगर हमको चाहिए व्यू पे क्लिक करते हैं तो ये दिखाई पड़ती हैं, अगर हटा दें तो ये हट जाएंगी, और प्रिंट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये सारी हेडिंग जो हैं वो भी प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई पड़ेंगी और वो प्रिंट भी होंगी पेज पर। इस तरीके से हमारी हेडिंग जो है दिखाई पड़ती हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट सिलेक्शन, ये अरेंज ग्रुप है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इंसर्ट कराएं तो उनको अरेंज कराने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सीट 3 पर आते हैं और इसको समझ लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, कोई क्लिप आर्ट जैसे इंसर्ट करा लें, यहाँ से गो क्लिक करते हैं और इस तरीके से ये क्लिप आर्ट आ चुकी है और इस तरीके से ये भी ले लेते हैं
इसको जरा अलग अलग कर लेते हैं। ओके एक और ले लेते हैं जरा, इस तरीके से तीन आ चुके हैं। और इनके साइज़ थोड़ा छोटे बड़े कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ज़्यादा ही बड़ा हो गया कुछ, और इसको यहाँ से इस साइज़ को थोड़ा सा स्केल कर लिया और इसको यहाँ ले आते हैं। अब देखिए अगर हम इन सबको अगर पास पास लाएं तो एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, जो हम फ्रंट पे लाते हैं वो चीज़ फ्रंट पे आ जाती है, बाकी नीचे चला जाता है। अब हम आते हैं पेज लेआउट टैब में, उनको अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करते हैं देखिए, जैसे कोई भी हमने यहाँ नीचे से, ये सबसे नीचे है, इसको हमने सेलेक्ट किया और ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं और लाते हैं, तो ये सबसे ऊपर आ जाता है, ब्रिंग टू फ्रंट, वो चीज़ ऊपर आ गई। अगर इसी को हम बैक में भेजना चाहते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं, तो ये बैक चली जाती है। ठीक, सिलेक्शन पेन क्या होता है, बेसिकली जब हम सिलेक्शन पेन ऑन करते हैं तो इसको ज़रा हटाते हैं और सिलेक्शन पेन ऑन करते हैं तो एक साइड में टास्क ओपन हो जाती है। हम चाहें तो यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं, किसी पिक्चर को सेलेक्ट करें, जैसे कि टू को हम क्या करते हैं अबव ले आते हैं, या फिर डाउन में भेज सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें तो वो चीज़ जो है इसको हम डाउन या आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेक्शन पैन के थ्रू भी है। अगर हम चाहें तो कुछ विजिबिलिटी, जैसे ये वाला जो है हम इसको हटाना चाहें, इसको विजिबिलिटी नहीं चाहते हैं, यहाँ से क्लिक कर देंगे तो वो हट भी जाती है। इस पर क्लिक कर दिए तो अब देखिए सिंगल बची है। अगर हम इसको फिर से शो कराना चाहते हैं तो भी है। ठीक, तो सिलेक्शन पैन के थ्रू हम शो एंड हाइड और उसको ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। फिर अलाइन की बात करते हैं, तो अलाइन में क्या करते हैं हम शिफ्ट में, शिफ्ट के साथ में अगर इन सब को ले लेते हैं और इसको भी क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करा लें इधर उधर। हाँ, अब शिफ्ट के साथ में इन तीनों को ही हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं अलाइन ग्रुप में। अलाइन ग्रुप में क्या है, अलाइन लेफ्ट अगर करते हैं तो तीनों ही लेफ्ट में अलाइन हो जाते हैं, इसी तरीके से सेंटर और राइट, टॉप, देखिए आप क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, टॉप में अलाइन हो रहा है, मिडिल, बॉटम, और इस तरीके से सारे इस तरीके हम चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करें ग्रुप करने की, जैसे कि यहाँ पर तीनों एक साथ अगर हम अभी क्या कर रहे हैं, किसी को क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो ये एक एक करके हमको जो है बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि तीनों को अगर ग्रुप कर दें तो यहाँ पे आते हैं ग्रुप पे। पहले तो हम इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा अलग करते हैं, ओके, और यहाँ से शिफ्ट के साथ में तीनों को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको ज़रा अलाइन कर लेते हैं एक साथ सेंटर में। अब इनको ग्रुप कर देते हैं, यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब जब भी हम इसको उठा करके कहीं भी ले जाएंगे तो तीनों एक साथ उठते हैं, ठीक, और यहाँ से हम जा करके अनग्रुप भी कर सकते हैं। फिर हम रोटेट करा सकते हैं, रोटेट क्या होता है कि 90 डिग्री, इस तरीके से सिंगल सिंगल भी करा सकते हैं, और हमने ग्रुप कर रखा है तो ये सारा कुछ हो रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इसमें रोटेट वगैरह करा सकते हैं। और यहाँ पर पेज लेआउट ग्रुप जो होता है समाप्त होता है, और ये एक्सेल का थर्ड पार्ट जो है समाप्त हुआ।